लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ कर दिखाएंगे? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमारी जो मांग थी यहाँ, ये मांग ये थी कि जो हिमाचल प्रदेश में जो है जो प्राइमरी स्कूल है, इसमें प्री प्राइमरी की कक्षाएं जो अभी प्री प्राइमरी की कक्षाएं जो अभी की दाखिला ले ली है, और 80% स्कूलों में जो है दाखिला ले चुके हैं, और उसके बावजूद वहाँ पर जो है टीचरों का प्रावधान नहीं है। हम चाहते हैं कि जो NTT महिला बहनें हैं, जिन्होंने जो है वहाँ ट्रेनिंग कर दी है, जो 20 साल से बेरोजगार पड़े हुए हैं, इनको वहाँ पर जो है कि उन पदों पर जो है इनकी नियुक्ति की जाए। इसके लिए हमारे साथ जो अभी कि पूर्व सरकार में भी हमारी जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, जो हिमाचल प्रदेश की NTT संघ की अध्यक्षा बंदना गौतम जी है, उन्होंने और भारतीय जनता मजदूर संघ ने मिलकर जो है इन पदों को जो है पूर्व सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जो अभी पोस्ट भी क्रिएट कर दी और जो नोटिफिकेशन भी निकाल दी है, और जैसे ही आचार संहिता आ गई तो फिर जो अभी आचार संहिता में भर्ती नहीं करता रहे। अब हम नई सरकार, नए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से आग्रह करेंगे, वो कहते हैं कि हम व्यवस्था बदलने के लिए आए, तो भारतीय जनता मजदूर संघ भी ये कहता है कि यहाँ पर भी जो है NTT की व्यवस्था को जो है कुछ बदला जाए, और जो कि ये टीचर जो है वहाँ पर नहीं है, इनकी टीचरों के बदौलत जो है वहाँ पर पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो गया है। और इसमें अभी भी हमारी जो अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू से जो कुछ एक NTT महिला बहनें आज गई है शिमला मांग करने के लिए, और जो हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष बंदना गौतम जी है, जो हमारी NTT संघ की अध्यक्ष, वो कांग्रेस सरकार में जो है 3 महीने में लगभग 4 बार जो है वो शिमला जा चुके, और शिक्षा मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले सुक्खू से, आज हमने ज्ञापन दिया। अगर समय रहते अगर ये मांगे जो पूरी नहीं हुई तो मजबूरन हमारी NTT महिला बहनों को जो है कोई ठोस कदम भी उठाना पड़ेगा। जी पूर्व सरकार में तो तय हो गया था, लेकिन उसमें तो आपने ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी। ऐसा है कि भाई जब हमने चेतावनी क्यों देनी, जब जो है कि उन्होंने पोस्टें क्रिएट कर दी, कैबिनेट में मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन करा दी, अब जब आचार संहिता जो अभी लगी तो ये तो जो है कि सरकार के हाथ में नहीं था, ये तो चुनाव आयोग के हाथ में था, और उसमें जो आई कंडीशन जो थी जो सरकार डिप्लोमे को मान्यता दी उन्होंने नोटिफिकेशन में, साथ में जो है आयु सीमा के लिए भी उन्होंने कहा कि हम इसको पर जो देखेंगे, साथ में जो है सभी संस्थानों के लिए जो उन्होंने जो है कोई बीच का रास्ता जो उन्होंने निकाला था। जी क्या आश्वासन मुख्यमंत्री से मिला है अभी तक? तो जो अभी मैं मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास जाऊंगा, मांग करने जाऊंगा, ऐसे जो आज हमारा डेपुटेशन भी ऊपर मिला, उन्होंने कहा कि इस पर हम जो कुछ करें।